आज दोस्तों ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की लास्ट क्लास होगी मेरे चैनल पे। इससे अच्छा मटेरियल यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा आपको इंग्लिश के रिगार्डिंग। देखो स्टार्ट करते हैं। सो मैनी पेयर या पेयर्स ऑफ शूज आर हियर बिफोर यू। भाई यहाँ पे सो मैनी आ गया, जोड़े आने चाहिए, जोड़े की गिनती क्या होगी, पेयर्स आएगी। चलो आई हैव ऑल दीज पॉइंट्स एट द एंड्स ऑफ माई फिंगर्स या माई फिंगर एंड्स। भाई उंगली की टिप पर है पॉइंट्स सारे, ठीक है, तो फिंगर एंड्स होता है तो ये आएगा। ही गेट्स ए मंथली अलाउंस ऑफ 2000 रुपीज़ या थाउजेंड्स रुपीज़। रुपीज़ नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव आएगा, टू आ गया तो थाउजेंड्स मत कर देना, 2000 आएगा, ऐसा नहीं लगेगा एडजेक्टिव में। हिज हेयर्स हैव या हेयर्स हैज टर्न्ड ग्रे। हिज हेयर आएगा, हैज टर्न्ड अवे आएगा। यू मस्ट फॉलो माई एडवाइसिस नहीं होता, एडवाइस होता है। प्लूरल करना है तो एफ यू आ सकता है या टू पीसी जा सकता है, लेकिन एडवाइस ही रहेगा, एडवाइसिस नहीं होता। जैसे फर्नीचर्स नहीं होता, ऐसे फर्नीचर रहेगा इसमें। आई हैव नॉट येट बॉट माई फर्नीचर आएगा। द न्यूज़ इज आएगा हमेशा। ही अटेंडेड किंग जॉर्ज द फिफ्थ या जॉर्ज द फिफ्थ। इसमें जो काउंटिंग होती है, जो नंबर होता है ना पद का, उसके बाद एपोस्ट्रोफियस लगेगा, फिफ्थ के बाद लगेगा, जोर्स के बाद नहीं लगेगा। द वेजिज ऑफ सिन, वेजिज यहाँ पे परिणाम के रूप में आया है तो इज आएगा, वेजिज ऑफ सिन इज। टेन का क्या कह रहा है। हिज वीकली अर्निंग इज या अर्निंग्स आर वेरी पुअर। तो यहाँ पे क्या आएगा, अर्निंग्स होता है जैसे इनिंग्स होता है, तो अर्निंग्स आर आएगा, इनिंग्स के बाद भी आर आता है। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अर्निंग्स के बाद आर आएगा, इनिंग्स होता है वैसे ही, लेकिन इनिंग्स में क्या होता है कि हमेशा आर नहीं आता, कई बार इनिंग्स इज भी आ जाता है। दिस इज़ माई अंकल्स द इंजीनियर या अंकल द इंजीनियर्स ऑफिस। इसमें क्या आएगा, तो इंजीनियर का ऑफिस है ना, जो पद है तो उसमें जॉर्ज फिफ्थ था, इसमें इंजीनियर आएगा, इंजीनियर के बाद एपोस्ट्रोफियस लगेगा। माई पेन्स कलर, द कलर ऑफ माई पेन। भाई एपोस्ट्रोफी हमेशा लिविंग बींग के साथ लगता है, और कुछ केसेज ऐसे होते हैं भाई, टाइम हो गया या नेचुरल फिनोमिना हो गया, उनमें लग सकता है, लेकिन यहाँ पर कलर ऑफ माई पेन आएगा। ए थ्री मैन इंक्वायरी, इंक्वायरी यहाँ पे नाउन है, ठीक है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो मैन मैन आएगा, थ्री मैन एम ई एन नहीं आएगा। नो मोर इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशंस, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है, तो इन्फॉर्मेशन होता है। नो मोर इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल या इज अवेलेबल, इज अवेलेबल। माई फादर्स फ्रेंड सन, दो बार एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द सन ऑफ माई फादर्स फ्रेंड्स। सन की बात कर रहे हैं, सन किसका है, फादर का, लिविंग बींग है, उसके बाद फादर्स के बाद एपोस्ट्रोफियस लगेगा। द ए काइट्स विंग्स या द विंग्स ऑफ ए काइट, ये आएगा, नॉन लिविंग थिंग है। आई हैव सेंड हिम माई कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है हमेशा, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता। देर वॉज ए 50 फीट या 50 फुट, वही है, डीप वैली है, नाउन है, इससे पहले 50 फुट आएगा, फिट नहीं आएगा। ट्रक आफ्टर ट्रक या ट्रक्स आफ्टर ट्रक्स, ये आएगा, ट्रक आफ्टर ट्रक आएगा, ट्रक्स आफ्टर ट्रक्स नहीं आएगा, और उसके बाद सिंगुलर आएगा, या तो चलो पास्ट टेंस दिया गया है। देर इज़ नो लाइट इन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यहाँ पर उल्टा है, कई बार सोचेंगे यार द सेक्रेटरी एंड मैनेजर हैज डाइड आता है या हैव डाइड नहीं आता, क्योंकि दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ पे काउंटिंग की बात चल रही है, तो यहाँ पे देर इज़ नो लाइट इन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ हाउसेज आएगा, हाउसेज आएगा। काउंटिंग में सिक्स्थ और फिफ्थ से पहले द लग रहा है तो प्लूरल काउंट होगा, उल्टा है इसमें। अगला सेंटेंस देखते हैं। द पुलिस, पुलिस के बाद तो हैव आता है, प्लूरल है। ऑलरेडी कंडक्टेड रिसर्च ऑफ द फोर्थ एंड द फिफ्थ, इसमें दाल लग गया दोनों के साथ, तो इसमें सिंगुलर काउंट करेंगे, रूम आएगा,
उल्टा है इसमें। ही स्कोर वाज वन एंड हाफ सेंचुरी, इसमें ए हाफ है ना, वो फ्रेगमेंटेशन लिया गया है, फ्रेगमेंट लिया गया है तो उसको अलग रखेंगे, अलग यहाँ पे रखा गया है। वन सेंचुरी एंड हाफ आएगा। हाउसेज आफ्टर हाउसेज नहीं होता, हाउस आफ्टर हाउस होता है, और यहाँ पे वोज लगेगा, सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट इंडियन फोर्सेज आएगा भाई, इंडियन फोर्स नहीं होता, इंडियन फोर्स नहीं, इंडियन फोर्सेज सेनाएं आर आएगा। गांधी हैज लेफ्ट हिज फुट मार्क्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम आएगा भाई, सैंड्स ऑफ टाइम, समय की मिट्टी के ऊपर। बोथ हिज डॉटर इन लॉ या डॉटर्स इन लॉ आर ब्यूटिफुल, तो डॉटर्स के बाद ऐसा लगेगा ना कि इन लॉज के बाद, ब्रदर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, जो भी है। देर आर फाइव MA MAs या MAs, एपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगा, फाइव आ गया, प्लूरल चाहिए, प्लूरल में एपोस्ट्रॉफी नहीं, सिंगुलर ऐसा आएगा, MAs आएगा, बीच वाला आएगा। द इंडियंस आर ए रिलीजियस माइंडेड पीपल होता है भाई, पीपल्स नहीं होता, पीपल्स होता है अगर कई देशों के लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे एक जगह पे। द इंडियन दिस व्हीकल इज ए करियर ऑफ गुड्स आएगा, माल। ही ब्रॉट द केक फ्रॉम दीपक्स, दीपक्स या दीपक्स, दीपक्स ज़्यादा होगी, ये तो होता नहीं दीपक्स, ठीक है दीपक्स ये नहीं होता, एक दीपक के साथ एपोस्ट्रॉफी लगेगा, पजेसिव नाउन, ये उसकी दुकान है, उसका घर है, उसके दीपक के बाद एपोस्ट्रॉफी ऐसा लगता है। अगला है द इकोनॉमिक्स ऑफ योर बजट इज या आर रॉन्ग, आर आएगा, इकोनॉमिक्स डाटा है। ऐसे लॉजिस्टिक्स है, ये प्लूरल में काउंट होगा तो है लगेगा, ऐसे स्टेटिस्टिक्स है, ये आंकड़े हैं तो आर आएगा, ठीक है ये सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, डाटा आ रहे हैं। ए ड्राइवर्स लाइसेंस और टू क्रेडिट कार्ड्स इज या आर रिक्वायर्ड, दो सब्जेक्ट और से जोड़े गए हैं, नियरेस्ट वन लेंगे ब्लैंक स्पेस के, आर आएगा, कार्ड्स आर। ए थाउजेंड बुशल्स वाज एवर ऑब्टेंड, इसमें बताओ बुशल्स को किस में काउंट करेंगे, बुशल्स को किस में काउंट करेंगे, वर आएगा, प्लूरल होता है हमेशा। इधर हिज पेरेंट्स और हिज सिस्टर, ये और वाला आ गया, इधर कई बार नहीं भी देते और दे देते हैं, तो नियरेस्ट वन होगा सिस्टर हैज। ईच ऑफ सिल्विया प्लास बी पोएम्स, ईच ऑफ आ गए, ईच के हिसाब से आएगा, यूजेज आएगा सिंगुलर के हिसाब से। दिस इज आवर एट्थ फाइव ईयर प्लान, प्लान नाउन है, एस नहीं लगेगा, एडजेक्टिव है फाइव ईयर, वैसे भी हाइफन आ रहा है बीच में, तो एक नाउन एक वर्ड एक ही एंटिटी काउंट होगी, फाइव ईयर, तो फाइव ईयर्स नहीं होता, फाइव ईयर आएगा, प्लान नहीं होता तो फाइव ईयर्स आ सकता है, प्लान नहीं होता तो फाइव ईयर्स आता है, उसमें बीच में हाइफन नहीं आएगा फिर। ही गेव मी ए 210 रुपी नोट आएगा, नोट्स 210 रुपी नोट्स, दो दस दस के नोट दिए, तो 210 बीच में हाइफन और रुपी आएगा, रुपीज नहीं आएगा। द कॉटेज वॉज थ्रोन इन टू शैम्बल या शैम्बल्स, शैम्बल्स आएगा भाई, शैम्बल्स आएगा, आगे भी है क्या, नहीं हो गए। तो ये मैंने आज आपको एक्सरसाइज करवाई, होप आपको समझ में आई होंगी। अपने चैनल पे जो आज तक मैंने वीडियो डाली है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, उसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप कमेंट करें, मैं उसमें और सुधार करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक हम लेंगे अपना प्रोनाउन का टॉपिक लेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।